गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज एक नए महीने के करंट अफेयर, यानी कि 1 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर हम पढ़ने जा रहे हैं। वेलकम, हेलो अप्रैल। मैं कामना करता हूं आने वाला ये महीना, अप्रैल का महीना, आप सभी के लिए सुखदमय हो, मंगलकारी हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा शहर 5G कवरेज और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और नेटवर्क वाला विश्व का पहला शहर बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये। ये शहर बना है चाइना का संघाई शहर, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है वो सही है। दुनिया में पहला ऐसा शहर बना है ये जिसमें कम्प्लीटली 5G नेटवर्क शुरू कर दिया है। तो ये आपसे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, बात चाइना की आई है तो चीन की राजधानी आपको मैंने कई बार बताई है, आप मेरे साथ साथ रिपीट कीजिएगा। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग है। यहाँ की करेंसी है रेनमिनबे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे अभी भी कन्फ्यूज हैं, मुझे क्वेश्चन करते हैं सर हमने हर जगह युआन को पढ़ा है। हाँ प्यारे बच्चों, युआन भी है करेंसी, मैं मना नहीं करता, बट रेनमिनबे जो है वो यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। जैसे अगर आपसे इंडिया की कोई करेंसी पूछे तो आप क्या बताओगे? एक तो रुपया है इंडिया में और एक पैसा है। आपसे कोई पूछे आप पैसा थोड़ी ना बताओगे, आप रुपया बताओगे। तो मेन करेंसी हमारी रुपया है, पर रुपये का पार्ट है पैसा। वैसे ही जो चाइना की ऑफिशियल करेंसी है वो रेनमिनबे है, बट उसका पार्ट है युआन। हाँ, कई बार ऑप्शंस में लिखा मिल सकता है युआन, बट आपको ऑप्शन में रेनमिनबे मिले तो रेनमिनबे ही लगाना। और बात करें चीन के प्रधान राष्ट्रपति की तो शी जिनपिंग है, और यहाँ की करेंसी के बारे में हमने बात कर ली और राजधानी है बीजिंग। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस वर्ष वायुसेना में फाइटर पायलट के तौर पर नियुक्त किए गए फाइटर पायलट एयर मार्शल NS ढिल्लो को सामरिक बल कमान प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये जो थे वो 1981 बैच के फाइटर पायलट के तौर पर नियुक्त किए गए थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं यही है NS ढिल्लो। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस खिलाड़ी को दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वितरण समारोह में इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो ये चुना गया है क्रिकेट के हैं ऋषभ पंत को, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। और अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है, इसी समारोह में राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले किस खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो ये गोल्ड मेडल जीतने वाले थे बजरंग पूनिया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है वो सही है। ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं यही है ऋषभ पंत और ये हैं बजरंग पूनिया, और इनको साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है वो चुना गया है। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और भी है, महिला वर्ग में महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल और किस महिला खिलाड़ी को इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया है? तो वह है मनु भाकर, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो सही है। आपको पता होगा मनु जो ये भाकर है, भास्कर गलती से प्रिंट हुआ है, ठीक है। आपको पता होगा इन्होंने अभी हाल ही में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है सौरभ के साथ में। ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं यही है मनु भाकर। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सांसदों ने हाल ही में कौन सी बार ब्रेग्जिट डील को खारिज कर दिया है? तो ये तीसरी बार ब्रिटिश सांसदों ने ब्रेग्जिट डील को खारिज कर दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है वो सही है। अच्छा, माइंड में क्लिक कर रहा होगा ये ब्रेग्जिट डील है क्या? तो ब्रेग्जिट डील जो है ये सबसे बड़ी समस्या है बैकस्टॉप की, जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड जो कि यूके का हिस्सा है और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के बीच एक बॉर्डर की वापसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है ये। ये ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे के प्लान में आयरिश बॉर्डर को खुला रखा गया है, यानी कोई चेक पॉइंट नहीं, कोई कैमरा नहीं, या नॉर्थन आयरलैंड में व्यापार और लोगों की आवाजाही आसान बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया है। और यूके और ईयू बोले तो यूरोपियन यूनियन, इन दोनों ने ही इस बात पे सहमत है, लेकिन कई ब्रिटिश सांसद जो हैं वो इसके विरोध में हैं, और इनका कहना है कि यूके का नॉर्दर्न आयरलैंड पर अपना अधिकार कम होगा और वहाँ पर ईयू के भी नियम लागू रहेंगे। आपको मैं बता दूं कि यूके ने जून 2016 में यूरोपियन यूनियन जो है इससे अलग होने का फैसला कर लिया था। सो ये एक ब्रेग्जिट मामला है जो आपको समझ आया होगा। और बात करें हम ब्रिटेन, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थेरेसा मे है, राजधानी लंदन है और पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी है।
अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में किस सिटी के पार्षद रॉबर्ट कार्नी को 6 फीट 10 इंच दुनिया के सबसे लंबे पुरुष राजनेता के खिताब से सम्मानित किया गया है? तो ये है न्यूयॉर्क सिटी के रॉबर्ट कार्नी, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है वो सही है। ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं यही है रॉबर्ट कार्नी, जो कि दुनिया के सबसे लंबे राजनेता के रूप में सम्मानित हुए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के युवा कोच जसपाल राणा और ऋषभ पंत के बचपन के कोच तारक सिन्हा को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनको सम्मानित किया गया है सर्वश्रेष्ठ कोच के अवार्ड से, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं ये हैं जसपाल राणा, और ये दूसरे जो आपको दिख रहे हैं यही हैं ऋषभ पंत के कोच तारक सिन्हा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने IPL एंड FF ग्रुप की कितनी कंपनियों की वित्तीय जानकारी मांगी है? तो ये 13 कंपनियों की वित्तीय जानकारी मांगी है ट्रिब्यूनल ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जानकारी मांगी क्यों है? क्योंकि ट्रिब्यूनल ने कहा है कि कितना कर्ज बाकी है कर्जदारों का, ये लिखित में दे ये कंपनियां। अगला हमारा क्वेश्चन है, एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में जूनियर वर्ग में कितने मीटर एयर पिस्टल इवेंट में 13 साल की ईशा ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। ये जो आपको फोटो में दिख रही हैं यही है ईशा, इन्होंने ही गोल्ड मेडल जीता है अभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास में सहयोग के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि बैल के एक साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कंपनी है गेल, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। ये जानते हैं गेल के बारे में, गेल की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो नेचुरल गैस ट्रांसमिशन कंपनी है ये, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, उसके CEO हैं श्री BC त्रिपाठी, और इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1984 को। बात करें हम लोग भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की, तो इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इनके CEO है अतुल सोबती, और इसके स्थापना हुई थी 1964 में। ये बात सारी आपको याद रहनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है जो है हमारा, 2018 वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत की गरीबी दर 55% से घटकर कितने परसेंट रह गई है? तो अब भारत की गरीबी जो है 55% से बहुत गिरी है, लगभग 28% रह चुकी है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। अगर हम बात करें 2005 और 6 की, तो उस टाइम पे लगभग 55% के आसपास गरीबी थी, और 2015-16 के बीच में 271 मिलियन लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए थे, और अभी की वर्तमान में बात करें तो लगभग बहुत कम लोग गरीब रह चुके हैं, ओनली 28% जो है वो गरीबी दर है। अगर भारत सबसे जो आपके ज़्यादा गरीब राज्यों में से अभी आ रहे हैं वो थोड़े बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, और दिल्ली है, केरल है, गोवा है, और ये सबसे कम गरीब हैं। दिल्ली, केरल, गोवा जो है इनमें सबसे कम गरीबी है, और बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा गरीबी है। अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बेनिन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बेनिन गणराज्य के नए राजदूत बने हैं श्री अभय ठाकुर, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो सही है। ये जो आपको फोटो में दिख रहे हैं यही है अभय ठाकुर, और बात करें बेनिन गणराज्य की तो मैप में देखिएगा यही है बेनिन गणराज्य, और इसकी राजधानी है पोर्टो नोवो, और ये अफ्रीका महाद्वीप का एक गणराज्य देश है छोटा सा। अगला हमारा क्वेश्चन है, एशिया में सबसे बड़ी ऊर्जा भंडारण प्रणाली टेस्ला द्वारा बनाई गई है। दुनिया की सबसे बड़ी टेस्ला ने ऊर्जा की मांग को कम करने के लिए और जापान में ट्रेनों के आपातकालीन बैकअप बिजली प्रदान करने के लिए जापान में ओसाका ट्रेन स्टेशन पर एशिया में अपनी सबसे बड़ी बिजली प्रणाली विकसित की है, और इससे क्या होगा कि ओसाका ट्रेन स्टेशन पर 42 पावर ट्रैक इकाइयां स्थापित की है, ताकि अगर बिजली किसी भी तरीके से विफलता हो जाए तो 30 मिनट तक के लिए बैकअप मिल सकेगा। और बात करें जापान की तो यहाँ की राजधानी टोक्यो है, करेंसी येन है, और राष्ट्रपति शिंजो आबे है यहाँ के। इतना हमें याद रखना है इस क्वेश्चन से। इतने ही थे दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन, और कैसा लगा आपको ये वीडियो, वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके भी मुझे आप रिव्यू बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में।